फिर क्या हुआ कान्हा? क्या उस समस्या का कोई उपाय नहीं था? रुको पुत्रों, देखो मार्ग में कांटा, कहीं तुमको चुभ गया तो? धन्यवाद काकी, आप हमें सतर्क नहीं करती तो इस कांटे के चुभने की पीड़ा हमें सहनी पड़ती। हाँ काकी, दाऊ सत्य कह रहे हैं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं था। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा कृष्णा, आगे की घटना बताओ। मधु कैटब का अंत संभव हो पाया अथवा नहीं? असंभव को संभव करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है दाऊ, और मेरी उस समस्या का हल भी उसी महाशक्ति के समीप था। महाशक्ति माँ भगवती के सिवा कोई हमें इस विपदा से नहीं बचा सकता था। माता दर्शन दो, हे जगत जननी माता दर्शन दो, दर्शन दो माता। इस सृष्टि को आप केवल आप ही विनाश से बचा सकती हैं। दर्शन दो माता। प्रणाम माते। प्रणाम माते। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, देवऋषि, आप आज अचानक मेरा स्मरण कैसे किया? किंतु मैं देख रही हूँ आप सब बहुत चिंतित लग रहे हैं। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ हो गया। बस यूँ समझिए कि संपूर्ण सृष्टि का भविष्य अब आप ही के हाथों में है। हम सब आपके शरण में आए हैं माते, हमारी सहायता करें। हे जगत जननी, शीघ्र अति शीघ्र कुछ कीजिए। हे माता, आपने मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दिया? आपसे ये वरदान पाकर सारे ब्रह्मांड में विनाश मचा रहा, आपने उन्हें ये वरदान दिया ही क्यों? वो दोनों दुष्ट इसके कदापि योग्य नहीं थे। मैं जानती हूँ कि आप सबको ये अनुचित लगा होगा, किंतु अपने भक्तों को वरदान देना मेरा कर्तव्य है। मधु और केटव ने मुझे प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक मेरी भक्ति की है, अतः मुझे विवश होकर उन दोनों असुरों को वरदान देना पड़ा। किंतु माते, इस वरदान को पाकर मधु और केटव ने पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस करना आरंभ कर दिया है, और उन्हें अपनी मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। हे जगत जननी, अब आपको ही उन दुष्टों से हमारी रक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। हाँ माते, परिस्थिति इतनी विकट हो गई है कि उन दोनों असुर भ्राताओं ने स्वयं परम पूज्य पिता श्री ब्रह्म देव को अपना आसन छोड़ने पे विवश कर दिया। स्वयं पिताश्री अपने प्राणों की रक्षा करते हुए यहाँ पे आए हैं माता, कुछ कीजिए माता, शीघ्र कुछ कीजिए। हाँ माते। किंतु मुनिवर, मैं अपना दिया हुआ वरदान पुनः वापस नहीं ले सकती,